सालों पहले नीमच की दो बेटियों ने जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर साध्वी बन गई थी। साध्वी मंडल के साथ जब वो पहली बार नीमच आई तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सालों पहले जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर नीमच शहर को उपकृत करने वाली दो बेटियां आज साध्वी के वेश में जब नीमच शहर में पधारी तो उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। जैन समाज जो नीमच शहरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करने वाली पगारिया परिवार की बेटी चित्रा साध्वी मृदु श्री जी के रूप में नीमच पधारी। वही छाजड़ परिवार की लाडली बिटिया जयती साध्वी जिनंगा पूर्णा श्री जी महाराज के रूप में नीमच आगमन हुआ। नीमच की ये दोनों साध्वी गण श्री अम्मी पूर्णा श्री जी महाराज साहब के साथ नीमच में मंगल प्रवेश किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज गणों ने उनका भावभीनी स्वागत किया और नीमच में मंगल प्रवेश कराया। आज हमारे सागर समुदाय के पूज्य साध्वी जी श्री अम्मी पूर्णा श्री जी महाराज साहब आजी ठाणा नौ साध्वी जी एवं हमारे नीमच शहर के पगारिया परिवार के चित्रा जी महाराज साहब श्री मधुपूर्णा श्री जी महाराज साहब एवं छजड़ परिवार के श्री जिनांगपूर्णा श्री जी महाराज साहब नीमच पधारे हैं। जिनांगपूर्णा श्री जी की दीक्षा के बाद दो साल पश्चात प्रथम नगर आगमन हो रहा है तो आज हमारे श्री संघ में बहुत ही उत्साह और उमंग का वातावरण है और उनका नगर प्रवेश ठाट बाट से अभी हम जैन भवन से जुलूस प्रारंभ करके घंटाघर होते हुए बिड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करके जैन भवन पे जाएंगे। वहाँ पे महाराज साहब के प्रवचन होंगे और तीन दिन महाराज साहब यही विराजेंगे। आज तीन दिवसीय क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आज महाराज साहब का प्रवेश है और कल सुबह प्रवचन होंगे और परसों भी प्रवचन रखे गए।